वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फिनाले रोमांचक मोड़ पर पहुंचा। पांचवें दिन टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए 280 रन। विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने संभाली भारत की पारी। दोनों ने चौथे विकेट के लिए की 71 रनों की नाबाद साझेदारी। पांचवें दिन भारत को कोहली रहाणे से उम्मीद। दोनों को अधिक समय तक विकेट पर टिककर करनी होगी बल्लेबाजी, बनाने होंगे रन। चौथे दिन स्टंप्स तक कोहली 44 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए। रहाणे कोहली का साथ देते हुए 20 रन पर नाबाद क्रीज पर मौजूद। भारत को दूसरी पारी में कप्तान रोहित शर्मा ने 43 रनों की बढ़त दिलाई। पुजारा 28 और शुभमन गिल 18 रन बनाकर विवादित फैसले पर आउट हुए। बोलार्ड ने शुभमन गिल को आउट कर ऑस्ट्रेलिया को दिलाई पहली सफलता। रोहित शर्मा को नैथन लियोन ने चलता किया। चेतेश्वर पुजारा को पैट कमिंस ने पवेलियन भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 270 रन बनाकर पारी घोषित की। भारत को जीत के लिए 444 रनों का दिया विशाल स्कोर। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में एलेक्स कैरी ने की शानदार बल्लेबाजी। कैरी ने 66 रनों की नाबाद पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया के लिए मानस लाबुशेन और मिचेल स्टार्क ने 41-41 रनों की पारी खेली। स्टीव स्मिथ 34 और कैमरून ग्रीन 25 रन पर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में रविंद्र जाडेजा ने 3 विकेट चटके। मोहम्मद शमी और उमेश यादव को 2-2 विकेट मिले। मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। भारत की दूसरी पारी में शुभमन गिल के आउट के फैसले को लेकर अंपायर पर उठे सवाल। थर्ड अंपायर ने भी गिल को आउट करार दिया। शुभमन गिल ने आउट के फैसले पर जताई हैरानी। ट्वीट कर कैच की तस्वीर शेयर की। टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर भड़के रवि शास्त्री। कहा टीम को प्राथमिकताएं तय करनी होंगी। वीरेंद्र सहवाग ने अंपायरिंग को लेकर ट्वीट किया। आंख पर पट्टी बांधे शख्स की तस्वीर शेयर की। लिखा शुभमन को आउट देते वक्त थर्ड अंपायर। रविंद्र जाडेजा ने ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में रिकॉर्ड बनाया। तीसरे विकेट लेते ही बनाया रिकॉर्ड। भारत की तरफ से तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के स्पिनर बने जाडेजा। रोहित शर्मा ने ओपनर के रूप में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज का रिकॉर्ड बनाया। पहले स्थान पर मैथ्यू हेडन, दूसरे स्थान पर सचिन तेंदुलकर का कब्जा। विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पूरे किए 2000 टेस्ट रन। कोहली ने सभी फॉर्मेट में 5000 रन बनाए। सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए हैं सबसे ज्यादा रन। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लपके 300 कैच, दूसरे नंबर पर पहुंचे कोहली। राहुल द्रविड़ 333 कैचों के साथ पहले नंबर पर काबिज। कैरोलिना मुचोवा को फ्रेंच ओपन जीतने का उनका सपना टूटा। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी पोलैंड की ईगा स्वियातेक ने सीधे सेटों में कैरोलिना को हराया। ईगा ने तीसरी बार जीता फ्रेंच ओपन का खिताब। कैरोलिना पहली बार पहुंची थी किसी ग्रैंड स्लैम के फिनाले में।